तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम आफत या राहत में। सर, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे विपक्ष की, तो मैं सबसे पहले आपसे दोनों से ही ये बात जानना चाहूंगी, क्योंकि 8 तारीख को ये फैसला आया था कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे और अब इन्हें आप जाके बैंक में एक्सचेंज करा के और 2000 के और 500 के नए नोट आप उनसे ले सकते हैं। 8 तारीख को ये फैसला आया, 9 तारीख को केजरीवाल साहब जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो गायब रहे, 10 तारीख तक भी वो गायब रहे, 11 तारीख को वो अचानक से आए और उन्होंने कहा केंद्र सरकार का ये फैसला गलत है। 2 दिन तक आखिरकार सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप कहां थे। उसके बाद आज आप राष्ट्रपति भवन के सामने जाके धरना दे रहे हो और तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये गलत किया, प्रधानमंत्री मोदी ने वो गलत किया। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि इससे कालाबाजारी और बढ़ेगी, इससे कालाधन और देश में आएगा। तो 2 दिन तक आप कहां थे और अब अचानक से आपकी नींद क्यों टूटी है? सर, आप मैं दोनों से इस बारे में अंजलि, मैं आप पे थोड़ी सी एक निगाह डाल देता हूं। जी, हम लोगों के साथी सहयोगी जो दिल्ली में जब 2 दिन बाद अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने रूबरू हुए, तो मीडिया ने सबसे पहला सवाल यही पूछा था, साहब आप 2 दिन तक क्या कर रहे थे? बिल्कुल। उन्होंने कहा 2 दिन तक मैं इस फैसले के ऊंच नीच के बारे में गौर कर रहा था, जब मुझे लगा कि मेरी जनता को परेशानी होगी, मेरे लोगों को परेशानी होगी, तो आज मैं मीडिया के सामने रूबरू। क्योंकि उन्होंने ये बयान किया, छोटे छोटे बातों पर उनका ट्वीट आ जाता है, छोटी छोटी बातों वो ट्वीट कर देते हैं, तो 2 दिन तक इतना बड़ा फैसला जिससे जनता प्रभावित हो रही है, 2 दिन तक तो हाहाकार मचा हुआ था, 2 दिन के बाद तक तब भी आपको कोई बयान नहीं आया, इतने दिनों तक आप क्या, ऐसी कौन सी चीज थी जिसके ऊपर आप विचार कर रहे थे? अंजलि जी, मैं बहुत ही हल्के तरीके से इसका जवाब देना चाहूंगा। शायद केजरीवाल जी मोदी जी के जो फैसला था उसके अंदर से गलतियां ढूंढने में लगे थे, और क्योंकि गलतियां बहुत कम है उसके अंदर, इसीलिए शायद उनको ढूंढने में समय लगा। अगर गलतियां कम होती तो आज, और जैसे कि वो लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ने करे सही तरीके से होमवर्क नहीं किया और काम कर दिया है, तो वो चाहते थे कि भाई उनके काम में कोई कमी ना रहे। जहां तक जो है सो ऐसा माना जाता है कि जब आंसू आते हैं मनुष्य के, तो 2 तरह के होते हैं शाहिद जी। आंसू कहना चाहते हैं? नहीं, हम मगरमच्छ के नहीं बोल रहे, मैं एक सुख के आंसू और एक दुख के आंसू रहे थे। कौन से आंसू? आज जो जनता के आंसू बह रहे हैं वो सुख के आंसू है, और जो दर्द उन्हें हो रहा है वो बहुत मीठा सा दर्द है। इस बात के लिए आप बिल्कुल, मैं आपको क्योंकि विद प्रूफ में आपके सामने, बिल्कुल मैंने बोला कि लोग परेशान नहीं है। मैं भी जो है 3 घंटे कोशिश करने के बाद कुछ पैसा लेके आया हूँ, जब मैं अभी मलिक जी से बात कर रहा था, तकलीफ नहीं है। रोजमर्रा के हमारे काम छोड़ के प्राथमिकताएं हमारी बदल गई है। हम पहले जो है बैंक के सामने, जैसे आज एक जो है व्हाट्सएप पे जो है एक ऐसा छोटा सा हंसी फुसी में आया था कि जो है शराबी बोल रहा है मोदी जी से कि भाई या तो बैंक में आप शराब बेचो या जो है सो शराब की दुकान में आप हमारे को एक्सचेंज करके दो, क्योंकि 2 लाइनों में ठहरना हमारे लिए जरा मुश्किल हो जा रहा। तो समस्याएं हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि परेशानी नहीं है, मगर जितनी भी समस्याओं को जनता के सामने लाया जा रहा है, मीडिया के सामने पेश किया जा रहा है, नेताओं द्वारा किया जा रहा है, अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 2 या 4 लोग ऐसे हैं जो कि ये बोल रहे हैं कि भाई हमको तकलीफ हो रही है, बाकी लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग तकलीफ उठाने से तैयार हैं। सबसे अहम बात ये है कि हम ये सारी बातें केवल आपको दिखाने के लिए या फिर जनता के सामने उनको भयभीत करने के लिए नहीं बोल रहे। सबसे अहम बात यह है कि फैक्ट है, क्योंकि हमारे रिपोर्टर जितने भी फील्ड में हैं उन सबका यह कहना है कि बहुत बुरा हाल है, बाजार बंद है, उसके बाद से व्यापारी हाहाकार मचाया हुआ है, व्यापारी दल में व्यापारियों का भी यह कहना है कि उनका व्यापार पूरी तरीके से फंस गया। एक चीज और मैं आपको गौर करना चाहूंगा, पिछले 2 दिनों के अंदर खाने पीने की चीजों पे भी महंगाई बढ़ गई है, और चाइना प्रोडक्ट के ऊपर भी 30-40% का इजाफा हो गया। जी बिल्कुल, और वही चाइना प्रोडक्ट जिसको दीपावली के समय इतना ज्यादा बहिष्कार किया जा रहा था, उसके बाद ये फैसला आने के बाद दोबारा से इसको अगर आप मार्केट में ले आते हैं तो उस बहिष्कार करने का क्या फायदा है? क्या फायदा हुआ? बिल्कुल। अविनाश जी, इसके बारे में मैं आपसे एक चीज और पूछना, आप जैसे कह रहे हो कि कुछ लोग परेशान है कुछ नहीं है, सर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ अविनाश जी, के लाखों लोग करोड़ों लोग इस वक्त इतने परेशान है कि उनको अपनी परेशानी का अंदाजा भी नहीं है। आज कुछ लोगों ने मीडिया के सामने अपना गुस्सा इजहार करना शुरू कर दिया है, कुछ जगह पुलिस को मारा पीटा भी गया है, उत्तर प्रदेश देख लो, बिहार देख लो, झारखंड देख लो, वहां पर, और गृह मंत्रालय हर 2 घंटे में मीटिंग कर रहा है, नजर रखे हुए, और जो इतनी स्थिति भयानक नहीं है तो फिर क्यों वो नजर रख रहे हैं? सर, सबसे अहम बात यह भी है कि सबसे, और ये गौर करने वाली बात भी है कि आप देश की 86% मुद्रा को आपने बिल्कुल बेकार कर दिया। विमुद्रीकरण से 86% मुद्रा आपकी बिल्कुल खराब हो गई है, और 14% मुद्रा पे अगर पूरा देश चल रहा है तो सबसे अहम बात ये है कि चिंताजनक स्थिति तो बिल्कुल है, क्योंकि 14% जो आप पूरा का पूरा 100% अपनी अर्थव्यवस्था में दे रहे थे, अपने देश के लोगों को दे रहे थे, उसमें से 84% तो आपने बिल्कुल खत्म कर दिया, 16%
माफ कीजिएगा 86% आपने बिल्कुल खत्म कर दिया और 14% पे आप पूरा का पूरा देश चला रहे हैं, तो चिंताजनक स्थिति बनती है। हम ये नहीं कह सकते कि देश की जनता सुख में है और उनके आंसू सूख के निकल रहे हैं। और सर मैं एक चीज और बता दूं, जिसको जो भी आता है मन में मीडिया के ऊपर बड़ा उतार देता है, पब्लिक को, नेताओं को, मीडिया के ऊपर हमारा काम है कि जनता तक पहुंचाना, तो मीडिया पे उंगली ना उठाए, मीडिया सच्चाई के साथ है। कुछ लोगों का नहीं कह सकते, लेकिन हम जनता के साथ है, वैल्यूज इंडिया जनता के साथ है, उनकी परेशानियां जनता के सामने लेके आएगा, ये दानी जिंदिया का वादा है और करता रहेगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। जी बिल्कुल, मलिक जी बिल्कुल सही बात है आपकी। जैसे आपके पास जब मैं परसों चर्चा में आया था, तो उसके बाद जब मैंने सीरियस अपने दोस्तों के सामने रखा, तो एक दोस्त ने मुझसे कहा कि भाई आप किस पार्टी के है, तो मैं बोला कि नहीं भाई, किस पार्टी के? वो बोले कि मैं ये बोलना चाह रहा कि मैं एक आम आदमी हूँ, तो मुझे फिर डर लगा कि अगर आम आदमी बोलूंगा तो फिर आप एक पार्टी से मेरे को संपर्क कर देंगे। यानी हर तरह से जो है सो जनता को तकलीफ हो रही है, बिल्कुल है, स्थिति संभव है कि जो है सो कुछ आगे बढ़े, अन्यथा कुछ दिन और जो है सो हमको इस दुख परेशानियों को कष्टों को झेलना पड़ेगा, तकलीफ बहुत है। पड़ेगा कुछ दिन नहीं सर, ये लग रहा है कम से कम सरकार जो 50 दिन मांग रही है, मैं नहीं समझता 50 दिन में आपको हालत ऐसी हो रही है कि जहाँ पे जो है सो कुछ भी, जहाँ पे ऐसे कई जगह पे है जहाँ पे हमको मालूम भी नहीं था कि यहाँ पे बैंक भी है। जैसे मैं अभी जब आ रहा था तो यहाँ पे देखा कि भाई कोई बगदाद एंड कुवैत बैंक है, वहाँ 25 लोग खड़े हैं, तो कम से कम इस बहाने मालूम तो हुआ हमारे को कि भाई यहाँ पे बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय बैंक। बिल्कुल सर, मैं और आप दोनों से एक चीज और पूछना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे इससे पहले विपक्ष की भूमिका पर ही हम लोग बात कर रहे थे, विपक्ष की जो भूमिका है वो सबसे अहम हो जाती है ऐसे मामलों में, सबसे इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि जब आप केंद्र सरकार में है तो आपके पास बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप कर सकते हैं और जनता को राहत पहुंचा सकते हैं, या फिर अपने कुछ फैसलों से आप आहत भी जनता को कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहां पर इसलिए हो जाता है क्योंकि विपक्ष के हाथों में बहुत सारी चीजें होती हैं, वो भी जनता के प्रतिनिधि होते हैं और वो संसद में बैठे होते हैं, लेकिन विपक्ष इस टाइम कटघरे में खुद खड़ा है कि आखिरकार विपक्ष अगर मजबूत होता तो इस तरीके की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। उसीलिए तो जनता बोल रही है कि भाई मोदी जी तुम्हें दर्द दिया है, तुम्हें दवा देना, और वो दवाई की जो है प्रतीक्षा में है अंजलि जी। आपको लगता है 50 दिन में ये हो जाएगा? ठीक है, हम तो ये समझे थे कि 8 दिन में हो जाएगा, भाई हम भी जाएंगे बैंक में अपने पैसे निकालेंगे, मगर है कल जो है सब हमारी पास भी समस्या है, आपके पास जैसी समस्या है सभी के पास है, क्योंकि मैंने परसों भी कहा था कि भाई अभी अभी पहली हुई थी, तो लगभग चाहे किसी भी प्रकार का कार्य करने वाला हो, अगर दुकान वाला है, बिजनेस वाला है, तो उसके पास भी जो है पैसे है। दीपावली के बिल्कुल बाद का समय था, तो कई लोग व्यापारी वर्ग के लोग जो है अपना सारा पैसा एक जगह रख के जो है पूजा करते हैं। यहाँ पर आप दोनों को ही, अब मैं विपक्ष के ऊपर ही बात करूंगा सिर्फ, अब मैं आपको बता देता हूँ, विपक्ष सबसे पहले ये जानना चाहती थी कि जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ है या इससे खुश है जी या नाखुश है जी। तो इसके अंदर तीन फैक्टर वो सोच रहे थे जी, वो सोच रहे थे, एक चीज पे आप गौर करना कि विरोध, क्या जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ है जी, या खुश है या नाराज है। बिल्कुल, लेकिन उनको ये बात अब समझ में आ गई है कि जनता वाकई नाराज है, क्योंकि अगर जनता नाराज नहीं होती तो अब तक इतना ज्यादा हंगामा नहीं मचा होता पूरे देश में। आप कहीं पे भी देख लिए, पूरा का पूरा भारत ऐसा लग रहा है कि लाइनों में खड़ा है, जहां देखिए कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां पर शांति से लोग हों और जिनके घर में परेशानी ना हो, ऐसा लग रहा है कि एक किसी तरीके की विकट स्थिति जिसको हम कह सकते हैं वो उत्पन्न हो गई है, कि लोग परेशान, उनके घर में और कोई बात होने से पहले कैश की बात हो रही है, हर कोई आके ये पूछ रहा है। इसी बात पर मैं आपको लाइन के ऊपर रोकता हूं, जी माफी चाहता हूं, लाइन के ऊपर जी, इस देश की 60% आबादी नौकरी पेशा है जी, जो नौकरी करती है, आप सोचने वाली बात है, सरकार के लिए भी सोचने वाली बात है, जो नौकरी करती है वो अपना काम दाम छोड़ के लाइनों में लगे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, वो खुद भूखे रह सकते हैं, अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकते। सबसे और अहम सवाल ये भी है कि अगर वो कमाएंगे नहीं, अगर आप तो दोहरी मार दे रहे हैं उन लोगों, क्योंकि एक तो उनको पैसा वैसे ही नहीं मिल रहा है, उसके बाद से अगर वो नौकरी छोड़ देंगे तो उनको वहां से सैलरी वैसे ही नहीं मिलेगी। अंजलि मैं फिर रोक रहा हूँ, आपको बोलने नहीं दे रहा हूँ, आपको शायद बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सर आप मुझे रख सकते हैं, अविनाश जी आपको हम बोलने का मौका नहीं दे रहे, कुछ वो मत समझिए, क्योंकि हम एक कुछ जनता के पहलू है जो हम जनता के प्रतिनिधि अपने आप को मानते हैं कि हमें सच्चाई को और सही बात को सामने करना। तो सबसे बड़ी बात, आज विपक्ष एकजुट हो रहा है, 9 दिन तक विपक्ष सो रहा था, क्या कर रहा था, सो रहा था,
पहले ममता बनर्जी आती है कि विपक्ष हम एक साथ करेंगे, वो राष्ट्रपति के से मिलने जाती है, उनसे टाइम लेती है, कल अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी की मीटिंग होती है, आज वो धरना प्रदर्शन करते हैं, क्या विपक्ष आज अपने आप को एकजुट होने का ड्रामा कर रही है या दिखावा कर रही है, सरकार या सरकार के अंदर खाने सपोर्ट कर रही है, और जो ऐसा उन्हें कुछ करना होता तो विपक्ष सड़कों पर उतरती, आम जनता के साथ उनके दुख में शामिल होती, उनके लिए कोई अच्छा रास्ता निकालने की कोशिश करती, पर विपक्ष ऐसा नहीं कर रहा, इस मुद्दे को बुनाने की कोशिश कर रहा है। जी अविनाश सर, इस पे आपकी प्रतिक्रिया जानने चाहूंगी मैं। मैंने आरंभ में भी कहा था कि जैसे विपक्ष की स्थिति खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हो गई है अभी, और विपक्ष के खुद समझ में ये बात नहीं आ रही है, क्योंकि भारतवर्ष में इस समय की स्थिति है, राजनीतिक स्थिति, उसमें विपक्ष दिखाई कम देता है, बहुत दिखाई कम दे रहा है, दिखाई कम दे रहा है, ये सबसे अहम बात है। जो है अब या तो जैसे उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़ा जो है सो राज्य है जहाँ पर चुनाव है, अगर उत्तर प्रदेश का कोई भी बड़ा नेता आकर जो है सो इस बारे में कुछ बात नहीं कर रहा। केजरीवाल आज केजरीवाल जी की स्थिति ऐसी है कि केजरीवाल जी जब आज दिल्ली के आजाद मंडी में गए थे तो वहां पर उनको काले झंडे दिखाए, तो वो ये समझ रहे हैं कि हम लोग जैसे इस स्थिति का फायदा उठा लेंगे, लाभ उठा लेंगे, मगर उनको इसका लाभ मिलेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो विपक्ष को चाहिए कि इस समय अपने लाभ हानि के बारे में सोचना छोड़कर, मोदी को जो है सो गाली देना छोड़कर, मोदी की प्रतिक्रिया देना छोड़कर, एक नेगेटिव माइंड को बाजू रखकर लोग जैसे एक पॉजिटिव माइंड से इस समय सिर्फ उनका एक ही काम है कि जनता जनता और जनता जनता को वो क्या कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का भी काम है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया है वो सिर्फ आजकल क्या कर रहे हैं, वो भी सरकार को भी प्रधानमंत्री मोदी को भी प्रधानमंत्री या जनता नहीं बनाया, और सांसद और विधायक भी आज जनता नहीं बनाया, जनता सब कुछ करने वाली है, सरकार बनाने वाली है, पार्टी के कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी और उनके फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, राजस्थान में भी एक विधायक ने साफ तौर पर कहा है, हालांकि वो बाद में नकारते हुए नजर आए, लेकिन उन्होंने ऑन कैमरा ये बात कही थी कि अडानी और अंबानी को इस फैसले के बारे में पहले से पता था, अगर आपकी पार्टी में पहले से ही इस तरीके से विरोधी स्वर उठ रहे हैं, विरोध अपनी पार्टी के लोग ही आपका कर रहे हैं, तो जनता कैसे आपका साथ देगी। सबसे बड़ी बात है जनता का कोई साथ नहीं दे रहा, जनता की कोई परेशानी नहीं, भारत सब कह रहे जनता खुश है, नहीं है जनता कुछ, भारत की जो जनता है उसका सब्र बहुत ही जो है सो मजबूत होता है, उसका फायदा नहीं उठा सकते, अगर साधारण जनता का जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो हथियार होता है उसका वोट। जी बिल्कुल, अब कुछ समय के बाद अलग अलग राज्यों में इसका जो है सो निर्णय हो जाएगा कि मोदी जी ने जो किया था उसका फायदा मोदी जी को हुआ, भारतीय जनता पार्टी को हुआ या विपक्ष को हुआ। अगर जनता सर अगर इस मुद्दे को देश से जोड़ के चल रहे हैं, कह रहे हैं कि ब्लैक मनी आने, ब्लैक मनी के लिए क्या है, ब्लैक मनी तो आई नहीं, जिनकी अपनी मनी थी व्हाइट मनी थी वो आज भिखारी हो गए, कटोरा लेने के लाइन में खड़े हुए हैं। आज भी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ये बात कही है कि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सारी कहां सुधर रही है, गिर गई अर्थव्यवस्था तो अपने आप नीचे जा रही है, व्यापारी सारे रो रहे हैं, चांदनी चौक के व्यापारियों की अगर मैं बात करूं, दिल्ली का चांदनी चौक मार्केट इतना बड़ा बाजार माना जाता है, बेगम बाजार देखिए हैदराबाद का, हैदराबाद में बेगम बाजार है, दिल्ली में चांदनी चौक है, ये तमाम जगह की चीजें हैं जो बड़े बड़े मार्केट माने जाते हैं, और यहाँ के व्यापारियों पे बहुत कुछ आधारित है, निर्भर करता है, वहाँ के व्यापारी अपनी दुकानें बंद करके बैठे हैं, जब व्यापार ठप हो गया है तो अब कौन सी व्यवस्था को, कौन सी अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है इसका कोई जवाब नहीं दे रहा है एक दूसरे पे, कुछ वो हमारी विपक्ष कहती है कि सरकार ऐसा कर रही है, और सरकार कहती है विपक्ष लोगों को ला रही है, लाइन में खड़ा कर रही है, तो सच कौन बोल रहा है, कैसे जनता साथ। सबसे अहम बात यह है कि ये एक जो नोटबंदी का फैसला है ये एक गेंद की तरह हो गया है, जो इस पाले से उस पाले में और उस पाले से इस पाले में फेंका जा रहा है। इस समय जनता ना मोदी के बारे में सोच रही है मलिक जी, ना जो है अपोजिशन के बारे में सोच रही है, अपने बारे में सोच रही है। जिस समय जनता जो है सो शांत हो जाएगी, वो थोड़ा आराम से हो जाएगी, लगता है जनता शांत होगी, समय लगेगा, क्यों लगेगा सर, क्यों हम अपने गलती कोई और करे सजा हम क्यों भुगते सर, अपना पैसा लेने के लिए हम भिखारी की लाइन में खड़े हैं कि हमें पैसा चाहिए, और हमारे पास पैसा नहीं। सबसे अहम बात यह है कि आज पैसा है लेकिन पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा होते हुए भी लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके पास बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं है। एक महिला ने बहुत अच्छा सवाल हम लोगों से पूछा था जब हम फील्ड के अंदर गए थे, उन्होंने बोला था आखिर मोदी जी हमें एक चीज बताएं, हम आपके सवालों पे उंगली नहीं उठाते, आपने अच्छा कदम उठाया, मेरा पैसा है, मेरी बूढ़ी माँ है मैं उनकी दवाई नहीं ला सकती, मेरा बच्चा है मैं उनके लिए दूध नहीं ला सकती, मेरे बच्चे मुझे खाने के लिए कुछ लेना है तो मेरे पास वो यूज नहीं कर सकती, तो फिर हमारी सरकार किस लिए, हमने जिसको वो हमने वोट दे के चुना है, तो ये क्या हमारी गलती थी कि हमने प्रधानमंत्री मोदी को चुना, एक हमने सोचा था वो अच्छे दिन लाएंगे, क्या ये हमारे अच्छे दिन है, उन्होंने ये सवाल खड़े किए। सर सबसे अहम बात ये है कि आज ही मैंने खबर पढ़ी कि आज हैदराबाद में ही एक
किसान ने अपने बेटे के साथ आत्महत्या कर ली सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसकी जमीन के रेट बिल्कुल नीचे चले गए थे और उसको अपनी बेटी की शादी करनी है। सर अगर इस तरीके से हमारे देश में किसान आत्महत्या करेंगे, किसानों की आत्महत्या कोई आज की नई बात नहीं है, किसान तो हमेशा पिसता है। किसान अगर खेती बाड़ी ना हो तो पिसता है, जमीन के रेट कम हो जाए तो पिसता है, और किसान की आत्महत्या आम हो चली है आजकल हमारे देश। इसके बारे में विपक्ष सोचती ना सरकार सोचती, वो बोलते हैं बीजेपी की कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने एक दूसरे पर टाल दिया जाता है। बीजेपी हमेशा पूछती है कि विपक्ष ने 20 साल सरकार चलाई, 40 साल सरकार चलाई, आपने कहा था इन्होंने 40 साल में कुछ नहीं किया, हमें सिर्फ आप 5 साल दो साल में सब कुछ बदल देंगे, आपके अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन वो अच्छे दिन कहां गए? एक बार फिर से फिर आप वही 50 दिनों का नारा लगा रहे हैं, क्योंकि उस वक्त आपने कहा था कि हमें 5 साल दीजिए, आप कह रहे हैं 50 दिन दीजिए। उसके बाद से आपके जो अध्यक्ष हैं अमित शाह जी, वो आके ये कह देंगे कि चुनावी जुमला था, ये भी चुनावी जुमला था। सर इसमें आप बोलिए, आप बोलिए, आम जनता के प्रतिनिधि अविनाश जी है इस वक्त हमारे साथ। सर आप से आम जनता बोले, आम आदमी नहीं बोले आप? नहीं नहीं सर, बिल्कुल आम जनता के प्रतिनिधि हो सकता है, हमारे पे सरकार के पक्ष में विपक्ष में हमारे पे इल्जाम लगे, लेकिन आप जनता की तरफ से यहाँ पर प्रतिनिधि हैं। मैं अंजलि जी आपकी बात से सहमत हूँ कि अमित शाह जी का जो बयान बार बार जो है सो हमने देखा है कि उसमें उन्होंने कहा था कि वो चुनावी जुमला था, चुनावी जुमला है। इस समय अमित शाह या किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो विपक्ष का हो या पक्ष का हो, ऐसी कोई बात उसको नहीं कहनी चाहिए जिससे कि जनता के मन मस्तिष्क को आहत होने की संभावना हो। थोड़ा संभल कर उनको भी बोलना चाहिए, ठीक है जो है सो उन्होंने कहा है, उनको उस पर जो है सो नहीं बोलना चाहिए। अब इसमें मैं आपको जैसे कि आपने अभी बात उठाई, आपने उसमें थोड़ी आपने जो है सो कम कर दी उसमें। जहां तक वो किसान की बात है, मैंने भी पढ़ा है उसमें, चार लोगों ने आत्महत्या की कोशिश की, दो मर चुके हैं, दो बहुत ही सीरियस हालत में, यानी पति पत्नी और उनके दो बच्चे। तो ये जो है सो बहुत ही दुखद घटना है सर। मैं इसमें ये नहीं बोलूंगा कि जो है सो ये आपको एक आज बहुत बड़ी बात जो हमें अभी हम जिसपे हमने डिबेट भी नहीं की और हमने सोचा था उस पर बात भी करेंगे, तो उस बात का दो दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गाजीपुर के अंदर कहा था कि मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग अपने सेविंग अकाउंट में 2.5 लाख रुपए जमा करें, मेरी आईटी एक बार आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे नहीं पूछेगी। तो आज वही डिपार्टमेंट ने पलटी क्यों मारी? आज जो हम लोगों को मीडिया से खबरें मिल रही हैं, सूत्रों से खबरें मिल रही हैं, आज बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने 2.5 लाख रुपए जमा किए थे उन पे आईटी नोटिस भेजेगी। तो क्या प्रधानमंत्री जी ने ये भी जुमला जो पहले की तरह बोल रहे थे, प्रधानमंत्री ने पहले वादों की तरह ये वादा किया था, कोरे वादे किए थे क्योंकि हर बार पब्लिक के बीच में कुछ और पब्लिक से हटते वो कुछ और हो रहा है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और कुछ होते हैं। तो उसी तरीके से सरकार में हमेशा होता है, क्योंकि विपक्ष जब भी आता है, कोई भी पार्टी, अगर हम स्पेशली हम बीजेपी को टारगेट यहाँ पे नहीं करेंगे, किसी भी सरकार, अगर कोई भी सरकार सत्ता में आती है तो वो ये कह के आती है कि हम जनता के लिए है और जनता का काम करेंगे। लेकिन आपका जैसे ही आपको वोट देके वही जनता आपको जब भेजती है संसद में, तो आप वहां जाकर क्या करते हैं उसके लिए? जनता इसका भी हिसाब मांगना चाहती है आपसे। बिल्कुल मांगेगी अंजलि, आपके बिल्कुल सही है, बिल्कुल जनता इसके जो है सो भूल नहीं रही है। जैसे मैंने कहा है कि इस समय जनता का सारा ध्यान अपने पैसे की तरफ है, वह चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी उनका जो पैसा है वो उनकी जेब में वापस जो है सो नए पैसे के रूप में आ जाए। और जिस दिन जनता इस बात से बाहर आ जाएगी, उस समय वो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, वो उसका जवाब जनता जरूर पूछेगी। और जनता जनार्दन है, सबसे बड़ी निर्णायक शक्ति है, और ये सरकार का जो फैसला आप या मैं यहाँ पर बैठकर जो है सो सही या गलत बोलने इसकी बात अलग रहती, कल जो है सो जब जनता के सामने यह मसला जब वो सोचेगी वो जो है सो इसका निर्णय करेगी। और सबसे बड़ी निर्णायक शक्ति जो होती है वो जनता है, और जनता का जो निर्णय होगा कुछ समय के बाद हमारे सामने होगा। मलिक जी आपने मुझे यहाँ बुलाया, अपनी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी का, शामिल होने के लिए। न्यूज इंडिया का जो है सो बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी बात कहने का, और फिर एक बार वो लोग है कि मैं आम जनता का आदमी हूँ, आम आदमी का नहीं। जी बिल्कुल, धन्यवाद, तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो आज हमने अपनी इस बहस में विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाया, और सवाल ये भी किया कि अगर आरबीआई के पास पैसा है तो वो बाकी के बैंकों में वो पैसा क्यों नहीं पहुंचा पा रही है। तो सवाल बहुत सारे हैं, और कुछ के हमने जवाब जानने की कोशिश भी की, और कुछ के जवाब जानेंगे हम अपनी अगली कड़ी में। तब तक के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ इंडिया।